जय श्री राम दोस्तों। तो पुरानी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए गाड़ी को पार करके सरकार के लिए प्रसाद लेके मैं निकल जाता हूँ दर्शन के लिए। जैसे ही आगे बढ़ते हम देखते हैं कि सन्यासी बाबा का दरबार हाल है। यहाँ पे दरबार हाल देख के जैसे आगे बढ़ते हमको पता चलता है कि गुरु जी आ रखे हैं और ये जो कार देख रही इसी कार से बाहर आने वाले तो हमें लग जाते हैं देखने के लिए। जो आप जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हम देखें कि यहाँ पे जो बगेसर हम सरकार का मेन गेट है और उसके सामने जो हॉल है इस पर जो छोटा सा गेट है ये जो दिख रहा है आपको उस गेट से सरकार बाहर आने वाले हैं तो हम लग जाते हैं लाइन में देखने के लिए। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब नहीं कर पाओगे दोस्तों इतने लोग आ रखे हैं। और थोड़ी देर में गुरुजी आ जाते हैं खिड़की से दर्शन देने के लिए तो हम दर्शन कर लेते हैं दोस्तों। और आपको बता दूं 4 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे, इसी चक्कर में इतनी भीड़ हो रखी है और हमेशा भीड़ रहती है दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो मैं निकल जाता हूँ सरकार के लिए भोग प्रसाद और अपनी अर्जी लेके दर्शन के लिए, क्योंकि आज मैं पहली बार आया हूँ और सरकार से अपनी अर्जी लगाऊंगा दोस्तों। ये है मेन गेट पर, मेन गेट से आने को नहीं मिलता क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जगह जगह लाइन से आना पड़ता है। तो दोस्तों यही है वो मंदिर जहाँ पर सरकार बैठे हैं और इसी मंदिर का पूरा प्रताप है। यहाँ पर जो भीड़ है सब यही मंदिर की वजह से है। और फिर जैसे आगे बढ़ते पता चलता है कि जो पेड़ है यहीं पे भूत भला सबकी निकल जाते हैं दोस्तों, जिसकी भूत भला रहती है सब बकर देते हैं। थोड़ा ही आगे बढ़े तो बहुत सारी दुकानें थी दोस्तों, वहाँ पर मैंने अपने कार के लिए बगैर सरम सरकार फोटो ले ली। और जैसे आगे बढ़े तो गुरुजी हॉल में आ रखे थे, वो प्रवचन दे रहे थे और जैसे गुरुजी ने मंत्र मारा वहाँ पर जितने भूत बुलाए थे वो चटने लगी दोस्तों और अपने अपने स्थान में भाव खेलने लगे दोस्तों। सरकार और गुरुजी के दर्शन करके मैं निकल जाता हूँ घर के लिए दोस्तों। अगर आप भी करना चाहते दर्शन तो आइए बगैर सरम सरकार, मिलता है अगली वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।